खबर छपरा बिहार से है, जहां अमनौर क्षेत्र में एक व्यक्ति की धारदार हथियार निर्मम तरीके से हत्या की गई। बताते चले कि मनोरपुर छकड़ी पंचायत के झखरा चौक का एक व्यक्ति को धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी पहचान उपेंद्र सिंह उम्र लगभग 72 वर्ष, पिता स्वर्गीय चांदनी सिंह के पुत्र के रूप में पहचाना गया है। उनके परिजन द्वारा बताया गया कि यह अपने खेत में गाय चरा रहे थे, शाम होने के बाद घर वापस नहीं आए। तब हम परिवारजनों के द्वारा खोजबीन की गई, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। वही जब आज सुबह गाँव के लोगों से सूचना मिली कि उनका मृत शरीर एक पेड़ के नीचे देखा गया है, उनके परिजन वहाँ पहुंचे, शव की पहचान की गई। घटना की जानकारी होने पर अमनौर थाना अध्यक्ष सुजीत कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वही अनुमंडल एसडीपीओ इंद्रजीत बैठा भी घटनास्थल पहुंच परिजनों से बात की। जिस चोर में उनकी हत्या कर शव बरामद हुआ, घटना की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। देखते देखते काफी संख्या में आसपास के गांव वाले वहां पहुंच गए। परिजनों द्वारा प्रशासन से मांग, डॉग स्क्वाड टीम को बुलाए जाने की मांग अड़े रहे। इस घटना को लेकर एसडीपीओ इंद्रजीत बैठा ने जिला की टीम को सूचना दिया। डॉग स्क्वाड टीम द्वारा क्षेत्र में मुरैना कराया गया, लेकिन कोई बड़ा फायदा नहीं मिल पाया। सूत्रों से खबर आ रही है कि परिजनों से बात कर शव का पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं इस घटना के आक्रोश में जिला परिषद आलोक राय प्रशासन से स्वच्छ एवं पारदर्शी तरीके से जांच की मांग कर रहे हैं। जबकि मृतक के घर में 9 तारीख को तिलक, उनकी पोती की तिलक एवं 12 तारीख को शादी भी रखी गई है। आज जहां महिलाएं वट सावित्री की पूजा कर रही, अपने पति की लंबी आयु की कामना करते, इस तरह की घटना उनके परिवार के काफी दुखी है। प्रशासन आसपास के इलाकों में छानबीन करते नजर आए। इस घटना को लेकर खर के परिजन एवं वर्तमान जिला परिषद आलोक राय ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। आज आपके जिला परिषद क्षेत्र में घटना हो गई है, एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि उनका मर्डर हुआ है, इसको लेकर आपका क्या कहना है प्रशासन के प्रति? प्रशासन का भी रवैया दब है। इसमें यही कहना है हमको कि किसी तरह हत्यारा को पता चल जाए कि इनका हत्यारा कौन है। किनकी मौत हुई है आपके जानकारी के अनुसार? इनके नाम है उपेंद्र सिंह का नाम हुआ, घर हुआ झखरा। यही इनका, यहाँ हम लोग जहाँ खड़े हैं इनका टोटल प्रॉपर्टी यही है। यहाँ वो डेली पर डे गाय चराते थे और 3-4 बजे घर चले जाते थे। अभी आप लोग को प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से मांग है कि इस डॉग को बुलाइए और पता कीजिए कि हत्यारा कौन है। हम लोगों का मुख्य मांग यही है। क्या नाम पड़ेगा आपका? आलोक राय। किस पद पे हैं? जिला पार्षद। मृत हुए हैं वो आपका कौन थे? मेरे दादाजी हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम गुंजन सिंह है, मैं उनका पोता हूँ। कब से वो गायब थे? कल 5 बजे गायब थे। यहाँ गाय ठोकते हैं, गाय लाने के लिए आए थे, तब से गायब है। 6 बजे के आसपास मोबाइल बंद है। अच्छा, तो आप लोगों को कब सूचना मिली छानबीन करने के या खोजने? तो जानते हैं कि पुलिस वाला लेट काम करती है, लेकिन थाने गए नहीं। हम कल 8 बजे से ही ढूंढ रहे हैं आसपास, रात्रि आठ बजे से। जी। गाय तुरा गया था तो पहले गाय को बांधे। जी ठीक है, खबर मिलकर गाय तुरा गया। अंधेरे रात में कहाँ ढूंढा जाएगा। फिर हम लोग ने अमनौर ढूंढा और आसपास का जगह ढूंढा, लालापुर मनोहरपुर सब जगह लाकर ढूंढा, फिर नहीं मिले। आज सुबह भी उठ के इस साइड से आगे घूमते ढूंढे, लेकिन नहीं मिले। अच्छा, गांव से ही खबर पता है, यहाँ कोई आता जाता रहता है तो उन्होंने दिया होगा गांव में खबर। घर के सामने से मुझे पता लगा तो यहाँ आया तो देखा। अच्छा, दूसरे लोगों से मालूम चला है? गर्दन काटा हुआ है। अभी प्रशासन के लोग आए हैं, क्या आश्वासन दे रहे हैं? प्रशासन का लोग आश्वासन वही कि हम पकड़ लेंगे, लेकिन मुश्किल लग रहा है। ठीक है, क्योंकि 3-4 घटना ऐसे हो चुकी है। क्या आश्वासन लग रहा है कि इसका प्रशासन द्वारा? प्रशासन काम करेगी आगे, क्या करती है। क्या मांग है आप लोगों की? अभी अपराधी पकड़ा जाए और कोई दूसरा डिमांड या मांग थोड़ी होगा।